बाकी के डेज बचे हुए हैं उन डेज में मैं बैकअप क्लासेस ले रहा हूँ और बैकअप क्लासेस का आपको मैसेज आता रहेगा। निष्कर्ष जी आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, बैकअप क्लासेस का मैसेज देंगे, ठीक है। और बैकअप क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो बैकअप क्लासेस में जो अभी के पहले का 3 क्लास 4 क्लास जितना भी छूटा हुआ है वो सब आप लोगों का मैं बैकअप क्लास में कराता रहूंगा और इस क्लास में हम यहाँ से आगे मूव करते रहेंगे जिससे कि सभी का सिलेबस बराबर चलता रहे, ठीक है ना। और इसके अलावा किसी को कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, है ना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जहां ना समझ में आए वहां पे आप मैसेज करते रहेंगे मुझे, तो पहले मुझे आप समझाने दीजिए फिर उसके बाद आप मैसेज करेंगे। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कैसे कैसे आर्चिस पोरियम सच्चा, तो मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक, है ना। तो पॉलन सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आप सभी लोगों को मैंने लास्ट क्लास में ये बताया कि जैसे हमारा ये पॉलन ग्रेन, ये एक एंथर था, इस एंथर में इसके अंदर ये हमारा एंथर सैक था और ये पूरा का पूरा स्टेमेन था, स्टेमेन में ये फिलामेंट वाला पार्ट हो गया, तो मैंने आपको बताया था ये एंथर वाला पार्ट हो गया, है ना, और ये हमारा एंथर वाला पार्ट हो गया और इसके नीचे ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि ये फिलामेंट है, है ना, और एंथर और फिलामेंट यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कनेक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये पढ़ा हुआ था कि यहाँ पर एंथर के डेवलपमेंट में एक आर्चिस्पोरियल सेल होती है, आर्चिस्पोरियल सेल बताया था ना, आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल मैंने बताया था कि यहाँ पे माइटोसिस होती है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो डिवाइड करती है और कैसे डिवाइड करती है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करने के बाद इसी आर्चिस्पोरियल सेल में दो सेल का फॉर्मेशन होता है, ऊपर की तरफ जो सेल बनती है पैराइटल सेल, ऊपर हमारी बनी थी प्राइमरी पैराइटल सेल, है ना, और पैराइटल सेल, और नीचे की तरफ हमारा जो फॉर्मेशन हुआ था दैट वाज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल, है ना। फिर हमने ये पढ़ा था कि प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, और डिवीजन कैसा होता है, तो डिवीजन किस टाइप का है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो मैंने आपको बताया था पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि पेरिक्लिनल डिवीजन ऐसा होता है कि एक सेल डिवाइड करती है, ऐसे डिवाइड करती है तो ग्रोथ पेरिफेरी की तरफ होती है, बाहर की तरफ ग्रोथ होती है, तो पेरिक्लिनल डिवीजन में मैंने बताया था कि डिवाइड होता है और 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, इस 3 लेयर में सबसे बाहर जो आपकी सॉरी इनफैक्ट 4 लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे बाहर की तरफ जो आपकी लेयर बनती है तो मैंने बताया था वो थी एपिडर्मल, तो सबसे बाहर एपिडर्मल लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मैंने बताया था कि आपको एक लेयर बनती है एंडोथीलियल, है ना, एंडोथीलियल लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो सिंगल लेयर बनती है एपिडर्मल लेयर, उसके नीचे सिंगल लेयर बनती है एंडोथीलियल सेल, और उसके नीचे फिर कौन सी बनती है, मिडिल लेयर बनती है, तो मिडिल लेयर्स बनती है, मिडिल लेयर्स जो बनती है उनमें से 1 से लेकर के 3 सेल्स की लेयर हो सकती है, और सबसे नीचे मिला था टैपिटम, तो मैंने आपको बता दिया था कि टैपिटम, तो हाँ यही हम बात कर रहे थे कि टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फिर मैंने लास्ट क्लास में जो आपको वाइंड अप किया हुआ था वो ये वाइंड अप किया हुआ था कि टैपिटम 2 तरह की होती है, एक मैंने बताया था कि एक होती है अमीबॉइड, मैंने आपको बताया था टैपिटम 2 तरह की अमीबॉइड, और दूसरी टैपिटम होती है ग्लैंडुलर। जिसने ये फ्लो चार्ट ना बनाया हो प्लीज फ्लो चार्ट बना लीजिए, जब आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और ये तय है कि लिखना पड़ेगा, इसमें बहुत चांसेस रहते हैं कि बोर्ड में पूछा जाए, जब आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, अगर आपके दिमाग में फ्लो चार्ट है आपको क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना, सेकंडों में आप क्वेश्चन लिख डालोगे, ठीक है ना, आप मिनटों में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अगर आपने रट्टा मार रखा है तो भाई साहब भूलने के बहुत चांस है। अब देखो
ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है इसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक की जो कहानी थी, इस पूरी कहानी को हमने क्या हेडिंग में पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सेल। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, इस माइक्रोस्पोर में कुछ डेवलपमेंट होगा, और मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो डेवलपमेंट होगा उससे डेवलपमेंट होकर के स्पोर का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा बड़ा कर दिए लिखना, अच्छा दिख नहीं रहा, अच्छा थोड़ा और बड़ा लिख दूं, अच्छा अच्छा बड़ा लिख दीजिए, ठीक है फातिमा, मैं थोड़ा सा और बड़े साइज में लिख देता हूँ, है ना। देखो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। देखो अच्छा रुको मैं बड़ा करके लिखता हूँ, ठीक है मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, इसको रिमूव ही कर देता हूँ। और फ्लो चार्ट सभी लोग बना लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। आयशा मुझे जरा सा मैसेज करके बताना आपको समझ में आ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वाला, इसके आगे जो पढ़ाऊंगा वो तो समझ में आएगा लेकिन ये बैकग्राउंड पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हेडिंग थी अच्छा थोड़ा थोड़ा आ रहा है बस, गुड, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में अभी मतलब अभी जब और आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको काफी आने लगेगा, और नहीं समझ में आया जहां पर आए मैं से एक बारी पूछ लेना, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, दो तीन क्लास हो रही है इसके, थोड़ा आपको अपलोड माइट भी हो सकता है लगे लेकिन आपको जहाँ पे कंफ्यूजन हो वैसे पूछ लेना, और बाकी लोग भी राइट। ठीक है देखो, तो मैंने आपको अभी जो बताया दैट वाज़ द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक और माइक्रोस्पोर, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन माइक्रोस्पोरेंजिया, सो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक, पॉलन सैक अभी साइज सही है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक में मैंने आपको ये बताया कि एक सेल से डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होती है। अच्छा, अब आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीजन कैसा होता है, इसमें डिवीजन होता है माइटोसिस के थ्रू। पहली बात तो माइटोसिस का मतलब होता है कि एक डिप्लॉइड सेल से बाकी जो बनेगी वो डिप्लॉइड सेल ही बनेगी। अच्छा, दूसरा कैसा डिवीजन होता है, मैंने आपसे बताया कि ये एक तरह से पेरिक्लिनल डिवीजन है, तो ये एक तरह का पेरिक्लिनल डिवीजन है, एक तरह से पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन में मैंने बताया था कि एक सेल ऐसी होती है और इसमें डिवीजन कैसा होता है, इस तरह से डिवीजन होता है, तो ग्रोथ बाहर की तरफ होती है ना, पेरिफेरी की तरफ बहुत होती है, इसलिए पेरिक्लिनल डिवीजन। तो पेरिक्लिनल डिवीजन हो करके एक सेल दो में डिवाइड हुई, दोनों सेल डिप्लॉइड होंगी क्योंकि एक तरह का माइटोसिस है। ठीक, इसका मतलब सर व्हाट इज आर्चिस्पोरियल सेल, अच्छा प्रांजल आर्चिस्पोरियल सेल कहता है, प्रांजल क्या है कि देखो जब डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी फ्लावर में जब डेवलपमेंट होता है मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं तो एक छोटा सा इस तरह से गोल गोल सेल का मास होता है, इस सेल के मास में जो टिश्यूज हैं, है ना, जो सेल्स हैं, उन सेल्स को हम लोग कहते क्या है, उन सेल्स को जो भी इसके टिश्यूज या सेल्स हैं उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं दे आर जस्ट सिंपली पैरेन्काइमेटस सेल, है ना। इन्हीं में से इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, इन्हीं में से क्या होता है, इस ग्राउंड टिश्यू में सब पैरेन्काइमेटस सेल हैं, चार पॉइंट पे कुछ सेल्स होती हैं, ए सेल्स डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं और इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, इस तरह की सेल्स को हम लोग आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। तो आर्चिस्पोरियल सेल से ही आगे चल के पूरे की पूरी स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है ना, इन इन सेल्स को हमने बोला आर्चिस्पोरियल सेल, है ना। तो आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल वो सिंगल सेल है जिस सेल में डिवीजन होकर के पूरे पॉलन सैक का डेवलपमेंट होता है, तो ये डेवलप हो जाती है और डेवलप होकर के बाद में इस तरह से फुली ग्रोन पॉलन सैक का डेवलपमेंट। समझ आ गया प्रांजल?
समझ आ गया ना? अच्छा, व्हाट इज द साइज ऑफ सिंगल पॉलन सैक? इट डिपेंड्स साइज, वी कैन नॉट से दैट पर्टिकुलर पॉलन सैक विल बी ऑफ दैट मच. लिली का जो पॉलन सैक होता है वो कुछ मिलीमीटर तक होता है ना, और वहीं पे अगर हम रोज की बात करें तो वो दैट इज द पार्ट ऑफ मिलीमीटर, और उसी की जगह और अगर छोटे फ्लावर्स जो होते हैं उनकी हम लोग बात करें तो वो कुछ माइक्रोमीटर या माइक्रोन में भी होते हैं. इसलिए पॉलन से जो साइज होता है ये फिक्स नहीं होता. बट सबसे बड़े जो पॉलन सैक्स पाए जाते हैं वो इन्हीं में पाए जाते हैं, लिली वगैरह, लिली ऐसी फैमिली. ठीक है, जैसे पोलिनिया एक पाया जाता है, पोलिनिया और बड़ा होता है. तो पॉलन सैक का एज सच कोई साइज फिक्स नहीं है. इट डिपेंड ऑन स्पीसीज टू स्पीसीज, इट डिपेंड ऑन वैरायटी टू वैरायटी. ठीक, राइट. तो होप आप लोगों को अभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए. तो आर्ची स्पोरियल सेल जो होती है, तो होता क्या है, इस ग्राउंड टिश्यू में से कुछ सेल्स होती हैं जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, फूड इकट्ठा हो जाता है, इन सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है. मतलब ये बाकी ग्राउंड टिश्यू में पाई जाने वाली जो पैरेन्काइमेटस सेल है उन पैरेन्काइमेटस से डिफरेंट होती है. तो पैरेन्काइमेटस सेल ही ग्रो करके आर्ची स्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है. आर्ची स्पोरियल सेल ही आगे चल करके पूरे के पूरे पॉलन सैक का डेवलपमेंट करने वाली है. ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर के, तो मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं प्राइमरी पैराइटल सेल. तो प्राइमरी पैराइटल सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और अंदर की तरफ ये बनाती हैं क्या, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. प्राइमरी पैराइटल जो सेल है, प्राइमरी पैराइटल सेल अब फर्दर डिवाइड करना शुरू कर, ये कैसे डिवाइड करती है, अभी भी इसमें डिवीजन कैसा हो रहा है, अभी भी इसमें माइटोसिस हो रही है. ठीक है, माइटोसिस, और अभी भी जो इसमें डिवीजन हो रहा है वो डिवीजन पेरिक्लिनल ही हो रहा है. तो माइटोसिस हो रहा है और पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है. पेरिक्लिनल डिवीजन और माइटोसिस के थ्रू ये चार तरह की अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डायग्राम के थ्रू पूरा, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया है ना, और जो लोग नए आए हैं उनको बैकअप क्लास में डिटेल में फिर से मैं बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ एक लेयर बनती है एपिडर्मल सेल. ठीक है, सिंगल लेयर होती है, दिस इज सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर. उसके बाद उसके नीचे जो आपकी बनती है वो बोलती है एंडोथेलियल सेल. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एंडोथेलियल सेल डिहाइशंस में फंक्शन करती है, ये भी वन लेयर की थिक होती है, सिंगल लेयर की बनी होती है. उसके नीचे आपकी बनती है मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स एक लेयर की भी हो सकती है, मैक्सिमम तीन लेयर की हो सकती है, तो वन टू थ्री लेयर होती है. उसके नीचे सबसे नीचे आती है टैपिटम. ठीक है, टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, मिडिल लेयर का फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है. एंडोथेलियल सेल जो होती है ये सेल्स डिहाइशंस में, मतलब इसको स्पोरेंजिया के फटने में मदद करते हैं. एपिडर्मल सेल प्रोटेक्टिव होती हैं, टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. टैपिटम में फर्दर मैंने आपको लास्ट क्लास में जब क्लास वाइंड अप की थी तो मैंने आपको आखिरी में लिखाया था कि टैपिटम दो तरह की होती है, दोनों का मैंने फंक्शन बताया था, एक अमीबॉइड थी और दूसरी क्यूबॉइडल. ये डिवीजन वाला जो मैं बता रहा हूँ, जो चार्ट बना रहा हूँ, इस चार्ट को जरूर बना लीजिएगा, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को लिखने में. और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक को काइंडली एक्सप्लेन कीजिए. अब आ जाते हैं इस वाली कहानी पे. अब देखो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, अब ये जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर बोले तो किसकी बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन. तो पॉलन ग्रेन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर. ठीक है, माइक्रोस्पोर. तो पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को या माई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से पॉलन ग्रेन के बनने को या माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को जो हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं. आप ये बना लीजिए फ्लो चार्ट, और अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नए पुराने जितने लोग हैं सभी लोगों के लिए, इफ एनी डाउट. और अगर कोई डाउट नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो मैं बोर्ड क्लियर करने वाला हूं, इसका मतलब सबको समझ में आ गया जो मैंने अभी तक बताया है ना.
मैं बोर्ड साफ कर देता हूं, ठीक है? ओके रियान, ग्लैंडुलर को क्यूबॉइडल सेल, हाँ ये देखो रियान, हमने लास्ट क्लास मैंने लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो सेल होती हैं उन्हीं में कुछ सीलरी हो जाती है, कुछ ग्लैंडुलर हो जाती हैं। तो ग्लैंडुलर तुमने बोल दिया तो इसका मतलब कि वो क्यूबॉइडल का ही एक टाइप है, ठीक है, क्यूबॉइडल का ही मॉडिफिकेशन है, इसलिए ग्लैंडुलर को क्यूबॉइडल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूबॉइडल बहुत तरह की हो सकती है, क्यूबॉइडल सीलियरी भी हो सकती है, क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर भी हो सकती है, क्यूबॉइडल सिक्रेटरी भी हो सकती है ना, जर्मिनल भी हो सकती है, इसीलिए ग्लैंडुलर जब आप कहते हो तो मतलब क्यूबॉइडल से क्यूबॉइडल सेल जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल थी वो कन्वर्ट हो गई ग्लैंडुलर सेल में और ग्लैंड्स की तरफ फंक्शन करने लगे, सो इट विल बी स्पेसिफिक टू कॉल इट ग्लैंडुलर, ठीक है। अब आगे चलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे बात करते हैं। अब आइए देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब देखो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता कैसे, अब देखिए सिंपल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, तो हमने ये कहा जो हमारी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल थी, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में हर सेल पोटेंशियल है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने में, ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स डेवलप करती है, ग्रो करती है ना, प्रोटोप्लाज्म इसका ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रोथ होती है ना, और डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है ना, इट टेक न्यूट्रिशन फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कैपिटम, ठीक है ना, तो इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपको बताया अगर ग्लैंडुलर टैपिटम में तो धीरे धीरे इसे न्यूट्रिशन रिलीज होता रहेगा, वो सीक्रेट करती रहेगी और ये उसको एब्जॉर्ब करके डेवलप होते रहेंगे, है ना, और अगर वो अमीबॉइड है तो वो क्या होंगी, सेल्स बाहर निकल आएंगी और इनके बीच बीच में तैरती रहेंगी और धीरे धीरे ग्लैंडुलर एपिथेलियल का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो अब होता क्या है, इसके बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप हो जाती है और डेवलप होकर के ये अपने बीच में है ना, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आपस में अभी इंटरकनेक्टेड है, इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस मौजूद है ना, तो अभी क्या होता है हर सेल सेल के बीच में, यहां पर जैसे इस सेल के बीच में, इस सेल के बीच में, इस सेल के बीच में, इन सभी के बीच में, थोड़ा सा मैं और बड़ा करके बना देता हूं, थोड़ा और बड़ा हम लोग देख लेते हैं, तो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि सपोज दैट कुछ सेल्स हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो मान लीजिए एक ये सेल है और दूसरी इसी के साथ में एक और सेल है, एक ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, इसी के साथ में एक तीसरी सेल हो गई, एक चौथी सेल हो गई, कई सारी बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल आपस में इंटरकनेक्टेड, तो माइक्रोस्पोर से मदर सेल ढेर सारी इकट्ठा है, अभी क्या है इनके बीच में, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन है, इसका इससे इंटरकनेक्शन है, इसका इससे इंटरकनेक्शन है, तो सभी सेलों का प्रोटोप्लाज्म आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो मतलब बीच में इनमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाएंगे, ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्माटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाएंगे और इन प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से ये जितनी सारी माइक्रोस्पोर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं इनमें साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन मौजूद है, इंटरकनेक्शन मौजूद है। अब क्या होगा जब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगी, अब ये ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी, न्यूट्रिशन लेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल,
सो इट विल कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप होने के बाद जहां ये डेवलप हुई तो इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन आप देख पा रहे हैं ये साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ब्रेक हो जाएंगे, है ना. सो दे विल डिसकनेक्ट और यू कैन से दे विल रिमूव दिस साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन. सो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन कनेक्शन ब्रेक्स. तो इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन है ये ब्रेक हो जाते हैं. साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ब्रेक क्यों होते हैं और किसकी वजह से होते हैं ये सोचने वाली बात है. तो देखिए होता क्या है, ये हमारी एक सेल थी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, है ना, और इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ये हमारी एक सेल थी जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब कन्वर्ट हुई तो यहाँ पर क्या होता है, एक अंदर की तरफ एक और लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. अंदर की तरफ एक लेयर बनने लगती है. ये लेयर जो बनी होती है, ये लेयर बनी होती है कैलोज की. इनके चारों तरफ ना एक लेयर का फॉर्मेशन होने से स्टार्ट हो जाता है और ये लेयर चारों तरफ जो बनती है ये एक मेटेरियल की बनती है, उस मेटेरियल को बोलते हैं कैलोज. तो कैलोज की लेयर बनने की वजह से इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन खत्म हो जाते हैं. कैलोज क्या है, कैलोज एक तरह से कैल्शियम का बना हुआ कंपाउंड है और इसको हम लोग सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं. कैलोजियम इट इज ए सीमेंटिंग मटेरियल ऑफ प्लांट सेल, सीमेंटिंग मटेरियल हम इसको बोलते हैं. तो कैलोज की वजह से साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. इसका क्या क्वेश्चन है, कनेक्शन ब्रेक होने से पहले क्या लिखा, अच्छा कनेक्शन कनेक्शन ब्रेक होने से पहले क्या लिखो, साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ब्रेक, साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ब्रेक्स. This is cytoplasmic. थोड़ा ज्यादा गंदी हो जा रही राइटिंग भी समझाने के चक्कर में मैं चलो और this is cytoplasmic. मैं कोशिश करता हूँ साफ लिखने की. साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं. अब देखो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ब्रेक हो गए, अब इसके अंदर भाई साहब शुरू होती है मियोसिस, है ना. अब यहाँ पर मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन डिविजन. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मियोसिस का मतलब होता है. मियोसिस इसका ये मतलब है कि अभी तक, अब रिजेक्शन डिवीजन इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन इसको बोलने के पीछे रीजन क्या होता है कि ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल टूटवेन थी, डिप्लॉयड थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड थी. अब रिडक्शन डिवीजन में यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, अब मियोसिस होगी. मियोसिस होने के बाद पहले दो सेल्स बनती हैं तो मियोसिस फर्स्ट हुई, मियोसिस फर्स्ट. तो मियोसिस फर्स्ट सेल में टू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, दो सेल बनी, है ना. अब इसके बाद फिर क्या हुआ, मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड हो गई. मियोसिस सेकंड में अब ये टू सेल्स फोर सेल में कन्वर्ट हो गई, है ना. तो फोर सेल, अब ये फोर सेल कैसी बनी, ये चारों सेल क्या है, हैप्लॉइड है, और इन चारों सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर. तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ एंड दे ऑल आर हैप्लॉइड. दैट्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेक्स प्लेस और वी कॉल दिस प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. चलिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के वे में भी साइड में आपको समझा देता हूँ, है ना. तो डायग्राम के वे में देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या था कि सबसे पहले एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हो गई. इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये थोड़ा सा साइज में बड़ी होगी. साइज में बड़ी होने के बाद अभी ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पर सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन मौजूद थे, लेकिन अब इसके साथ क्या हो रहा है कि इन्होंने साइटोप्लाज्मिक जो इंटरकनेक्शन थे वो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ब्रेक कर दिए. तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ. अभी तक क्या था कि इनके सबके बीच में यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस मौजूद थे. अब इसके बाद क्या हुआ, अंदर क्या हो रहा है कि अंदर एक कैलोज की लेयर डेवलप हो जा रही है. अब वो कैलोज की लेयर क्या है, कैलोज एक सीमेंटिक मटेरियल है,
वो लेयर इस तरह से डेवलप हो जा रही है, और इस लेयर के डेवलपमेंट हो जाने की वजह से इनके बीच के जो आपस के इंटरकनेक्शन है वो खत्म हो जा रहे हैं। तो इंटरकनेक्शन खत्म हो गए, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ, इनमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है ना। तो अब इसके बाद दिस इज रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। रिडक्शन डिवीजन हो जाने के बाद है ना, अभी क्या होता है समझिएगा बात को, रिडक्शन डिवीजन शुरू हुआ, जब रिडक्शन डिवीजन शुरू हुआ और सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो यहां पर सेल्स बनी, ठीक है। अब एक सेल दो में डिवाइड हुई, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एक सेल दो में डिवाइड हुई। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर भाई साहब कैरियोकाइनेसिस हो रही है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है, अभी प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। तो एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी है ना, दो सॉरी एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुई, इसके बाद फिर से रिडक्शन डिवीजन में है ना, रिडक्शन डिवीजन। तो ये वाला पहले वाला था मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। इसके बाद क्या होता है, अब मियोसिस सेकंड होगी, तो मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड में फिर से फर्दर सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फर्दर सेल का फिर से फॉर्मेशन होगा। तो अभी भी क्या है, ये सेल में एक सेल के अंदर अब चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, चार न्यूक्लियस का। तो एक ये न्यूक्लियस हो गई, एक ये न्यूक्लियस हो गई, ये न्यूक्लियस हो गई और ये न्यूक्लियस हो गई। अब क्या हुआ, अभी तक क्या था कि न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस हुई है ना, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुई लेकिन प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। अब क्या होता है, इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद तो ये चारों कैसे न्यूक्लियस है, दे आर हैप्लॉइड न्यूक्लियस एन एन, ये क्या है, दे आर फोर ना, फोर कैसी है, एन सेल्स है, तो एन चार एन सेल्स है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही इसके अंदर। अब क्या होता है, इसके अंदर ये कैलोज, पहले सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनेगी और उसके बाद कैलोज की लेयर बनेगी इसी सेल वॉल के ऊपर। जब इस सेल वॉल के ऊपर कैलोज की लेयर बनेगी तो आप देख पाएंगे कि माइक्रोस्पोर जो जनरली दिखाई देते हैं वो इस तरह के माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। एक माइक्रोस्पोर बनेगा, इसमें से आपकी तीन सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको सॉरी चार सेल का फॉर्मेशन होगा, चार सेल में आपको, चार सेल में इस तरह से तीन सेल ऊपर दिखाई देंगी और चौथी सेल नीचे की तरफ दिखाई देगी, ठीक है, और ये हो गई, ये इनकी न्यूक्लियस हो गई, ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसको हम लोग बोलते क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप बताइए किसी को डाउट है, अगर डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसको लिखवा दूंगा। नए वाले बच्चों को, नए वाले बच्चे मुझे कई सारे दिखाई दिए, अगर नए वाले बच्चों को किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछिए। फातिमा, कनेजा, रियान, आयशा, सलेहा, जुहा, किसी को डाउट हो, दोस्तों का मैसेज है। मियोसिस टू के बाद रिपीट कर दे, ठीक है, अच्छा सर, फोर एन है पर थ्री क्यों बना, एक्चुअली क्या है ना फातिमा, इसमें तीन पीछे जैसे होता है वो देखा होगा ना, भारत सरकार की ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें चार शेर बने हुए हैं, लेकिन जब भी आप देखो आपको तीन ही दिखाई देंगे, क्योंकि चौथा वाला पीठ पीछे की खड़ा है, ऐसे तीन ही ऊपर दिखाई रही, चौथी वाली इसके नीचे की तरफ है, समझ गए ना, वो आप देखते हो ना रुपए में बना होता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, है ना, तो वो चौथा पीछे होता है, ऐसे इसमें चौथा पीछे, चौथी सेल पीछे है, ठीक है। और हाँ किसने पूछा, अच्छा मियोसिस टू के बाद, ठीक है ना आयशा, मैं रिपीट कर देता हूँ, मियोसिस टू के बाद। अब क्या होता है मियोसिस टू के बाद, देखिए चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये हुई हमारी मियोसिस टू। मियोसिस टू के बाद क्या हुआ, तो पहले देखो, पहले सिंगल न्यूक्लियस थे, है, तो सिंगल न्यूक्लियस में मियोसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस तो डिवाइड हुई, तो जिसको मैंने कहा कि कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हुई लेकिन इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं डिवाइड हुई। अब फिर से क्या होती है, मतलब सेल नहीं डिवाइड हुई पूरी की पूरी, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुई,
है ना। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, सॉरी इस दोनों को मैंने मियोसिस कर दिया, मियोसिस फर्स्ट में क्या है, तो पहले मियोसिस फर्स्ट हुई, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई, पहले हमारी ये एक न्यूक्लियस थी और ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुई, लेकिन इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। अब फिर मियोसिस सेकंड हो गई, मियोसिस सेकंड में क्या हुआ कि दो न्यूक्लियस चार में डिवाइड हो गई, है ना, और मियोसिस में हमको पता है हमेशा एक सेल से चार सेल का फॉर्मेशन होता है, तो पहले ये चार न्यूक्लियस में डिवाइड हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इनके बीच में, इन चारों के बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू होगा, धीरे धीरे सेल वॉल बनना शुरू, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा सेल वॉल का, तो सेल वॉल इस तरह से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, तो सेल वॉल बनेगी। अब सेल वॉल बनने के बाद इनके बाहर की तरफ एक वही कैलोस डेवलप हो जाएगा, है ना, कैलोस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस तरह से इनके अंदर कैलोस का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो इनके ऊपर इस तरह से कैलोस डिपॉजिट हो जाता है। तो चार माइक्रोस्पोर एक साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस चीज से जुड़े होते हैं, जिस मटेरियल से बाइंडिंग होते हैं आपस में, उस मटेरियल को हमने कहा कैलोस, है ना। तो ये इस तरह से चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। आप बताओ समझ में आया, ऐसा समझ में आया, क्लियर है बेटा? सर हाँ बोलो। सर मियोसिस वन में एक सेल में आपने दो न्यूक्लियस कैसे बना दिए? अच्छा देखो मैं बताता हूँ होता क्या है, इसको नोट कर लिया ये वाला पार्ट पूरा, मुझे थोड़ा सा बोर्ड चाहिए होगा। देखो क्या होता है कि जनरली देखो मियोसिस होती कैसे, अच्छा अभी तो आप लोगों ने वो मियोसिस वाला पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, पूरा एक अलग से चैप्टर है, डेडिकेटेड चैप्टर है जिसमें मियोसिस माइटोसिस हम लोग पढ़ाते हैं, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। मियोसिस में होता क्या है कि हमेशा एक सेल से, समझते जाना मेरी बात को, एक सेल से एक डिप्लॉइड सेल है, मतलब हमारे अंदर अगर एक सेल है तो एक सेल से चार स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती है वो 2n सेल होती है और इससे हमेशा चार सेल बनेगी, 1 2 3 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस में होता क्या है, मियोसिस में, है ना, मियोसिस में ये चार सेल बनी और चारों सेल कैसी है, एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, मतलब कि एक डिप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। अब मियोसिस होता कैसे, पहले मियोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। फिर मियोसिस सेकंड में क्या होता है, ये दोनों सेल फिर से डिवाइड होती हैं, है ना, और इस तरह से चार सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये हो गई हमारी मियोसिस सेकंड। तो वही मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या हो जा रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जा रही है और प्रोटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मियोसिस फर्स्ट हुई, दोनों की न्यूक्लियस तो डिवाइड हुई लेकिन प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। फिर मियोसिस सेकंड हुआ, मियोसिस सेकंड में क्या है, फिर से दो न्यूक्लियस चार में डिवाइड हो गई, जैसे दो सेल यहाँ पे चार में डिवाइड हो गई थी, है ना, दो सेल चार में डिवाइड हो गई थी, वैसे दो न्यूक्लियस चार में डिवाइड हो गई और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या है कि धीरे 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 इनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, है ना, और सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो एक साथ चार चार माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, क्लियर है? अब बताओ बेटा क्लियर पक्का ना? तो अब नोट कर लिया आप सब लोगों ने, और बताइए और किसी को कोई डाउट? टेट्राड मीन्स होता है रेयान चार, ठीक है ना, जैसे टेट्रा का मतलब होता है चार, ठीक है, टेट्राड मीन्स चार एक साथ हैं, तो इसलिए माइक्रोस्पोर के चार के सेट को हम लोग टेट्राड बोलते हैं, क्लियर? ठीक है चलो अब इसको नोट कर लिया, अब आप लोग नोट करना स्टार्ट कीजिए, है ना, मैं इसको लिखवा देता हूं, सबने नोट कर लिया, नोट कीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एवरी नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फुल स्टॉप।
एवरी माइक्रोस्पोर एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव्स राइज टू एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव्स राइज टू फोर एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव्स राइज टू फोर माइक्रोस्पोर्स फोर माइक्रोस्पोर्स नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल start growing accumulate protoplasm and take nutrition from capitum by this way they becomes microspore mother cell. By this way they becomes microspore mother cell. Full stop. Next point. The cytoplasmic connections between microspore mother cell breaks down. The cytoplasmic interconnection between microspore mother cell breaks down. Due to deposition of callose, ये लिखा हुआ मैंने. Due to deposition of callose around cells. इसी में लिखेंगे. Full stop. Callose is a cementing material. Stop. Next point. Now, separated microspore mother cell. Microspore mother cell undergoes meiosis and produces four microspore and produces four microspores. These फातिमा कहां से रिपीट करना है, कहां से रह गया, एक बार बताना कहां से रह गया, कहां तक लिख लिया, कौन से लैंड, अच्छा माइक्रोस्कोप मदर से, ठीक है ना. तो ये लिख लिया ना, deposition of callose takes place around
माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिपोजिशन ऑफ कैलोस टेक्स प्लेस अराउंड माइक्रोस्पोर मदर सेल. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ठीक है. एंड साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन ब्रेक्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस एंड एवरी मदर सेल प्रोड्यूसेस, एवरी मदर सेल प्रोड्यूसेस फोर हैप्लॉइड, एवरी मदर सेल प्रोड्यूसेस फोर हैप्लॉइड, फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फुल स्टॉप. दीज सेट ऑफ फोर माइक्रोस्पोर, दीज सेट ऑफ फोर माइक्रोस्पोर remains attached with each other or remains packed with each other with the help of callos and termed माइक्रोस्पोर टेट्राट. अब भाई बताओ किसी को यहां तक डाउट हो तो मैं फिर से समझा दूं, वरना मैं बोर्ड क्लियर करने वाला हूं फिर से. और अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे. प्लीज एक बार मैसेज करके मुझे बताइए, किसी को नहीं डाउट है? अगर मैसेज है तो आप, अगर आप डाउट है तो मैसेज कीजिए, वरना मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. With the help of callos, and this set of four is called, and this head or set of four is called microspore tetrad. Okay. Right. ठीक है आयशा, तो समझ में आ गया? ठीक है फातिमा, क्लियर है? ग्रेट. तो चलो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं. अब एक चीज और नोट करेंगे, आप नोट करिएगा ठीक है. टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड. तो चार चार के कलेक्शन को आपने माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने टाइप के हो सकते हैं? तो नोट करेंगे टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड. तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने टाइप के हो सकते हैं? कई तरह के हो सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. कुछ तो एक ये अरेंजमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड. इसको हटा के पहले यहां बना देता हूं, फिर अभी स्क्रीन पे देखते हैं. राइट अभी तो types of microspore tetrad. तो देखो microspore tetrad कितने टाइप के हो सकते हैं. अब देखिए, तो एक तो मैंने आपको ये वाला बता दिया है ना. देखो एक तो ये अरेंजमेंट हो गया, समझिए बात को, ये जो मैंने आपको बताया ये वाला. एक ये वाला जो अरेंजमेंट हो गया है ना, एक तो माइक्रोस्पोर टेट्राड ये हो गया ठीक है. इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को इसे हम लोग बोलते हैं, ये शेप कौन सा है, इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहीड्रल. तो इस तरह से अरेंजमेंट को हम टेट्राहीड्रल बोलते हैं. तो माइक्रोस्पोर टेट्राड एक तो हो सकता है, इसका शेप क्या हो सकता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का टेट्राहीड्रल एक तो हो सकता है ना. क्लियरली लिख देता हूं, types of micro
टेट्राड। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कुछ में क्या होता है कि किसी किसी में जो इनका अरेंजमेंट होता है वो इस तरह का कुछ होता है, बिल्कुल सिंपल सा। ये चार सेल डिवाइड हुई और चारों सेल डिवाइड होकर के इस तरह की हो गई, मतलब सीधे सीधे राइट। अब देखिए इस तरह से क्या हुआ कि यहां पर एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई। तो हो सकता है कि चारों माइक्रोस्पोर इस तरह से अरेंज हो, हो सकता है चारों इस तरह से अरेंज हो। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते क्या है, तो दूसरा हमारा जो रन है इसको बोलते हैं आइसो बाई लैटरल। दिस इज आइसो बाई लैटरल, इसको हम लोग आइसो बाई लैटरल कहते हैं, इसको आइसो बाई लैटरल, आइसो बाई लैटरल। अब देखो तीसरे वाले में आ जाते हैं, तीसरे वाले में अब ये अरेंजमेंट थोड़ा सा कुछ इस तरह का होता है, ये हो गया ऊपर वाली सेल्स इस तरह की हैं, एक ये सेल हो गया, एक ये माइक्रोस्पोर हो गया, एक नीचे की तरफ माइक्रोस्पोर इस तरह से हो गया है ना, इस तरह से, और दो साइड बाई साइड माइक्रोस्पोर। तो कुछ कुछ जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब स्पोर इस तरह से, इस शेप को हम लोग बोलते हैं डेकुसेट शेप, DECUSSATE, डेकुसेट शेप, डेकुसेट अरेंजमेंट है ना। तो या तो ये अरेंजमेंट हो सकता है डेकुसेट टाइप वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला कैसा है, जो ये पांच टाइप के होते हैं इनफैक्ट। अब देखिए चौथा वाला एक होता है लीनियर अरेंजमेंट। अब देखो चौथे वाले में क्या है कि ये लीनियर सीधे सीधे इस तरह से अरेंजमेंट हो गई, एक माइक्रोस्पोर ये है, दूसरा माइक्रोस्पोर इसके नीचे ये बन गया, तीसरा माइक्रोस्पोर इसके नीचे ये बन गया, और चौथा ये बन गया है ना। सो दिस इज फोर्थ नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट होता है। पांचवा कैसा होता है, पांचवा होता है उसको हम टी शेप बोलते हैं। देखो टी शेप कैसे होता है, टी शेप कुछ कुछ थोड़ा सा इस तरह से हार्ड शेप दिखने वाला होता है। इसमें क्या है कि एक सेल ये नीचे बन गई, ठीक है, दूसरी सेल कुछ इस तरह से बन गई है ना, और तीसरी और जो चौथी सेल्स बनी, तीसरी और चौथी सेल ऐसे बनी होती है, तो टी का शेप बना रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं टी शेप, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो टेट्रॉड होते हैं, या तो माइक्रोस्पोर जो टेट्रॉड होते हैं, या यूं बोले माइक्रोस्पोर टेट्रॉड को ही लिया, आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं पॉलन ग्रेन टेट्रॉड। तो पॉलन ग्रेन टेट्रॉड जो होता है ये इस तरह से, इसका जो शेप होगा ये इस तरह से अरेंज होता है, या तो भाई साहब ये टेट्राहेड्रल होगा, या आइसोबेट्रल, या डेकुशेट शेप होगा, या लीनियर होगा, या टी शेप होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, डन भाई लोगों, हो गया, आगे चला जाए, बोलिए भाई, मूव किया जाए आगे। ठीक है चलिए, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मतलब सबका हो गया है ना, अब आगे मूव करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, ठीक। अब देखो क्या होता है कि टेट्राड अलग हो जाता है थोड़े समय के बाद, और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये आपस में एज ए इंडिविजुअल एंटिटी की तरह फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो अब इनके ऊपर एक वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, अंदर एक वॉल का डेवलप होता है जिसको एंटाइन बोलते हैं,
तो एक जो सिंपली पॉलीमरेज जो हमें दिखाई देता है बाहर से, कुछ पॉलीमरेज ऐसा दिखता है, इस शेप का दिखता है पॉलीमरेज, देखिए बाहर से तो हमें कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसे एक पॉलीमरेज हो गया है ना, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से लेयर का फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से स्कल्पचर दिखाई देता है। और ये ऊपर की जो डिजाइन होती है, यह हर स्पीसीज की अपनी अलग होती है, किसी भी पॉलन ग्रेन के ऊपर की ये डिजाइन को, पैटर्न को समझ करके ये बताया जा सकता है कि पॉलन ग्रेन किस स्पीसीज का होगा। ये सब हर स्पीसीज का अपना पिक्यूलर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, पॉलिनोलॉजी में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। अब देखो पॉलन ग्रेन का अगर इसको हम लोग काट के देखें, मतलब क्या बोले, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए, टीएस देखा जाए पॉलन ग्रेन का, तो चलिए अब पॉलन ग्रेन का हम लोग टीएस देखते हैं कि कैसा पॉलन ग्रेन दिखाई देता है। ये एक पॉलन ग्रेन हो गया, इस पॉलन ग्रेन के अंदर अपना एक दूसरी एक लेयर पाई जाती है, ये बाहर वाली एक्साइन है ना, और अंदर वाली एंटाइन है। जो बाहर वाली लेयर है ये थोड़ी सी कुछ ऐसी है, देखिए बाहर वाली लेयर में इस तरह से कुछ स्पाइन की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह से बाहर स्पाइन की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये हेल्प करते हैं इसको एंकर करने में किसी सरफेस में चिपकने में। तो बाहर की इस तरह की लेयर होती है ये पॉलीमर, ये ट्रांसफर सेक्शन है पॉलीग्रेन का है ना। ये जो बाहर की लेयर होती है इसको हम लोग कहते क्या है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एक्साइन, एक्साइन, तो इसके लिए एक्साइन टर्म यूज करते हैं। ये जो अंदर वाली लेयर है इस लेयर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एंटाइन, इसे हम कहते हैं एंटाइन, ये हमारी एंटाइन हो गई है ना। इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर अब एंटाइन के अंदर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म में साथ में इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, तो ये न्यूक्लियस हो गए इसके, एक सिंगल से न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गए। इसके अंदर एक वैक्यूल पाई जाती है जो काफी बड़ी सी, धीरे धीरे जब ये पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाता है इसके ऊपर यहाँ पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन, इस तरह से दिस इज वैक्यूल, टू मार्कर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, ये एक्साइन कुछ जगहों पर पर्टिकुलर जगहों पर, सब जगह पर नहीं भाई साहब, कुछ जगहों पर इस तरह से पोर्स पाए जाते हैं, कुछ जगहों पर इस तरह के पोर्स पाए जाते हैं, सभी जगह पे नहीं पाए जाते, बहुत कम जगहों पे पाए जाते हैं। इनको हम लोग कहते क्या है, इन्हें हम लोग जर्म पोर कहते हैं, इन्हीं से जब ये जर्मिनेट होते हैं जर्म पोर, तो हमेशा जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के समय निकल के आती है तो पॉलन ट्यूब हमेशा निकल करके जो आती है वो जर्म पोर से ही निकल करके आती है, राइट। ऐसे पॉलन ट्यूब जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और ये पॉलन ट्यूब और कहीं से निकल के नहीं आ सकती, हमेशा जिस पॉइंट से निकल करके आती है उसे हम जर्म पोर ही कहते हैं, जर्म पोर, ठीक। तो नोट करेंगे, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन आर, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन होता क्या है, माइक्रोस्पोर और इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, पॉलन ग्रेन आर haploid, uninucleate, haploid, uninucleate, minute, spore, they are produced in large number, they are produced in large number, अब देखो जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तो ये टू सेल स्टेज में रिलीज होता है, थ्री सेल स्टेज में रिलीज होता है, कितनी सेल की स्टेज में रिलीज होता है, अब ये कोई मेरे को बता सकता है? अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है खदीजा बीच में आप स्किप हो गए थे, नोट कीजिए फिर से, मैं नोट कर देता हूँ।
माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आर हैप्लोइड, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आर हैप्लोइड, यूनिन्यूक्लिएट, माइन्यूट स्पोर्स, यूनिन्यूक्लिएट, माइन्यूट स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स. ठीक है, देखिए अब मेरी बात को फिर ध्यान से समझिएगा. वेलकम बेटा. ठीक है, अब देखो ये नीट का क्वेश्चन है कि पॉलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो कितनी सेल स्टेज में रिलीज होते हैं. पॉलन ग्रेन सिंगल सेल स्टेज है या टू सेल स्टेज है, तो देखो होता क्या है, समझना मेरी बात. पॉलन ग्रेन जो जनरली जो रिलीज होता है वो टू सेल स्टेज में रिलीज होता है ना. अभी तो ये सिंपल पॉलन ग्रेन है. जब पॉलन ग्रेन पॉलन सेक्स है तो होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि एंथर फट जाता है और एंथर के फटने से डिहाइसन से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं. तो होता यूं है कि ये एंथर हुआ, ये हमारा एंथर हुआ, एंथर रप्चर होता है तो हमने पढ़ा था ना कि एंथर दिखाई देता है इस तरह से, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम काटे तो इस तरह से दिखाई देता है. लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल में समझाया था इस तरह से इसके अंदर पॉलन सैक होते हैं, है ना. और ये इसका टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन. अब देखो दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर मैंने बताया था कि हर ये टेट्राड है चार जगह पे, है ना. इन चारों के अंदर ये क्या भरे हुए हैं, दे आर पॉलन ग्रेन्स, पॉलन. अब क्या होता है, डिहाइसेंस होती है, मतलब ये फट जाता है, क्या एंथर फट जाता है ना. तो एंथर फट जाएंगे, तो जब एंथर फटते हैं तो एंथर ऐसे फटते हैं. ठीक है, पहले ये वाली जो बीच वाली दीवार होती है, ये वाली दीवार, ये टूटती है ना. तो अब क्या होता है, इस तरह से एंथर फट जाते हैं, ये एंथर फट गए. ठीक है, एंथर के फट जाने की वजह से है ना ये इस तरह से फट गए. इस तरह से और ये पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल आते हैं. तो मेरा ये कहना है कि ये पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल के आते हैं तो कितने सेल स्टेज में होते हैं. देखिए पॉलन ग्रेन जब भी बाहर निकल के आता है तो टू सेल स्टेज में होता है ना इन जनरल. तो किसी भी एंजियोस्पर्म में, मेरी बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, किसी भी एंजियोस्पर्म में ये एक पॉलन ग्रेन हो गया. पॉलन ग्रेन में एक बड़ी सी सेल होती है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये दो सेल स्टेज में होता है, इसके अंदर है ना एक बड़ी सी सेल है और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे छोटी सी सेल है ना. अब देखिए ये तो पूरी सेल वॉल है लेकिन इन दोनों सेल के बीच में यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है. ठीक है, ये जो नीचे वाली छोटी वाली सेल है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल छोटी होती है. ये ऊपर की तरफ जो सेल है तो हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल. तो देखो हमेशा नोट करिए इन एंजियोस्पर्म्स ईच पॉलन ग्रेन, इन एंजियोस्पर्म ईच पॉलन ग्रेन हैव टू सेल. Each pollen grain have two cells, but sometime they have three cells. So generally क्या होता है, एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन में दो ही सेल पाई जाती हैं, एक वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एक वेजिटेटिव और एक ही जर्मिनेटिव सेल पाई जाती है. तो ये क्या हो गई, दो सेल हो गई. लेकिन sometime क्या होता है, एक वेजिटेटिव प्लस दो जनरेटिव सेल, तो कई बारी थ्री सेल स्टेज भी होती है ना.
बट मेजोरिटी में क्या होता है, टू सेल स्पेस। अब देखिए, अब नोट करेंगे, एक्साइन इज आउटर लेयर, एक्साइन इज आउटर लेयर, इट इज चीफली, एक्साइन इज आउटर लेयर, इट इज चीफली मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इट इज चीफली मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। कुछ खास बात है क्या इसकी, स्पोरोपोलिनिन की कुछ खास बात है, कोई बताने वाला है स्पोरोपोलिनिन क्या खास बात है? रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ऐसा रिपीट कर देता हूँ, वॉइस ब्रेक हुई थी, ठीक है कोई बात नहीं, नोट करो, ऐसा फिर से रिपीट कर देता हूँ। जनरली इन एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर, हाँ तब तक खदीजा आप आंसर दो तब तक कि इसकी खास बात क्या होती है स्पोरोपोलिनिन की। जनरली पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट टू सेल स्टेज an angiosperm, but sometime in three cell stage, but in majority they are released in two cell stage. बताओ खदीजा इसकी खास बात क्या होती है स्पोरोपोलिन की? प्रिजर्व, हाँ बिल्कुल रियान ये बात भी सही है, खदीजा इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एंड वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी गुड एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बताया खदीजा ने, ठीक है ना। स्पोरोपोलिन अगर आपसे पूछा जाए द टफेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज स्पोरोपोलिन, ठीक है तो आंसर होगा आपको स्पोरोपोलिन। अगर पूछा जाए टफेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन एनिमल तो होगा उसका इनेमल, है ना, इनेमल होगा, पढ़ेंगे हम लोग, दांतों में पाया जाता है। तो नोट करेंगे स्पोरोपोलिन इज एन ऑर्गेनिक पॉलीमर It is pecto, it is made up of pectocellulose, ये इसका composition है, it is made up of pectocellulose, पेक्टिन भी कैल्शियम का कंपाउंड है और सेलुलोज तो अपना शुगर है ना, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड दिस इज द टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल ऑन द अर्थ, इट इज द टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल ऑन द अर्थ, फुल स्टॉप। It is resistant to oxidation and leaching. Next, Intine is chiefly composed of pectocellulosic compound. Next point, exine is mainly derived from tapetum, underline karenge tapetum se, exine is mainly derived from tapetum, underline करेंगे। अच्छा फातिमा रिपीट करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है चलो नोट कर लो। yeah.
नोट करेंगे, एंटाइन इज मेनली, एंटाइन इज मेनली पेक्टो सेलुलोजिक सब्सटेंस, एंटाइन इज मेनली पेक्टो सेलुलोजिक सब्सटेंस, पेक्टो सेलुलोजिक सब्सटेंस. नेक्स्ट पॉइंट, एक्साइन इज डेराइव फ्रॉम, एक्साइन इज derived from, exine is derived from capital substances, exine is derived from capital substances. ठीक है, exine consist of, अब exine फिर भी है ना, exine is consist of टू लेयर्स. अब एक्साइन खुद में दो लेयर की बनी हुई होती है ना, एक्साइन कौन कौन लेयर से मिलकर बनी होती है, इसने क्वेश्चन पूछा. कैपिटल नहीं बाबू, कैपिटल फातिमा, एक्साइन इज, एक्साइन इज मेडअप ऑफ, या एक्साइन इज मेनली डेराइव्ड फ्रॉम कैपिटल सब्सटेंस, कैपिटल टी ए पी आई, कैपिटम वाला है, कैपिटम से बनती है. Exine is mainly derived from capital substances. Capital substances. ठीक है. Further, exine is made up of. Exine is made up of two layer. Exine is made up of two layer. कि पूछ लिया जाता है एग्जाइन की दोनों लेयर का नाम है ना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा आ चुका है. एग्जाइन इज मेड अप ऑफ टू लेयर, नेक्साइन एंड सेक्साइन, नेक्साइन एंड सेक्साइन, ये दो लेयर से मिलके बनी होती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, नेक्साइन और सेक्साइन. Next sign and next sign. हाँ ये नोट कर लो, स्पेलिंग बता दी मैं. It is made up of two substances, two layers, next sign and sex sign. ठीक है. Next point. The size and shape, note करके लिखेंगे, ये नीट के लिए important point है. The size and shape of spore and pollen. The size, shape, size and shape of spore and pollen, comma, pattern of exine, are very important for taxonomists. जो मैंने आपको अभी बताया था कि बता सकते हैं किसी species का pollen कहते हैं, are very important to taxonomist. It is studied under, it is studied under a different branch of botany called palynology. ये है palynology. नीट पे कई बार पूछा गया कि इसकी study को कहते क्या है. It studied under a different branch of botany called palynology. इसको हम लोग palynology कहते हैं. ठीक है, एक और इसी में नोट पे लिखेंगे, नोट, ये भी क्वेश्चन नीट का है. pollen grain of parthenium. parthenium एक प्लांट है, इसको हम लोग कांग्रेस ग्रास के नाम से जानते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कांग्रेस ग्रास. कोई बता सकता है क्या कांग्रेस ग्रास क्यों बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास बायोलॉजी में से हम कांग्रेस ग्रास के नाम से जानते हैं, कांग्रेस ग्रास. पार्थेनियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड कांग्रेस ग्रास कॉजेस
पॉलन एलर्जी, तो जिनसे एलर्जी होती है वो पार्थेनियम से, याद रखेंगे पार्थेनियम ही वो पॉलन ग्रेन है जिससे लोगों को एलर्जी हो जाती है। कोई बताएगा, बताओ भाई कांग्रेस ग्रास क्या होती है? देखो क्या था कि 1960s के दौर पे जब हम इतना अनाज नहीं पैदा कर पाते थे कि हम अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को खिला पाए, तो उस समय क्या होता था कि उस समय हम अमेरिका से वीट इंपोर्ट करते थे, ठीक है, अमेरिका से गेहूं खरीदते थे, अमेरिका से हमने गेहूं खरीदा, अमेरिका ने जो वीट हमको दिया खाने के लिए वो वीट में उसने मिक्सिंग किस चीज की कर दी, एक वीड की मिक्सिंग कर दी। वीड क्या होती है? ग्रास, है ना, जो कि गेहूं के साथ उगाती थी। उस वीड का नाम था पार्थेनियम। पार्थेनियम की एक खास बात है भाई साहब, ये जहां पे लग जाती है वहां से इसको खत्म कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। पार्थेनियम अगर उसका सीड कहीं पे गिर गया तो वो किसी भी कंडीशन में उगाएगी, उसमें गुच्छे में फूल पाए जाते हैं। और उसकी सबसे गंदी चीज ये है कि पार्थेनियम जो वीड होता है ये अपने आसपास किसी दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं करने देता, इसको एंटागोनिस्टिक बिहेवियर कहते हैं, जिसकी वजह से अगर पार्थेनियम का कहीं पे प्लांट है तो आसपास के मौजूद बाकी के पौधों को ग्रो नहीं करने देगा। ये इसमें सबसे गंदी बात होती है ना। तो ये एक तरह का वीड है, कांग्रेस के टाइम पे आया था इसीलिए इसको कांग्रेस ग्रास के नाम से जाना जाता है, ठीक भाई, समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता क्या है, है ना। तो पोलन ग्रेन तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, लेकिन पोलिनेशन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। योर वॉइस इज नॉट भाई, वॉइस आ रही मेरी, ये बताइए, बोलो बोलो भाई जल्दी, योर वॉइस इजंट कमिंग, आ रही है, ठीक है, देयर माइट बी, अच्छा ठीक है, मे बी खरीजा थोड़ा सा इंटर हो सकता है आपके एंड पे इंटरनेट कनेक्शन की थोड़ी दिक्कत हो, है ना। तो मैं ये कह रहा था तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है ना। तो मेगास्पोरोजेनेसिस तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। एक बात बताना चाहूंगा कि हाउ पोलन ग्रेन जर्मिनेट, है ना, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता कैसे, ठीक है। तो नोट करेंगे जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, तो यहां तक सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट है, एक मिनट, मैं ये पता नहीं क्या आ रहा है, देखिए तो मैं आपको बता रहा था जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन माइक्रोस्पोर जब माइक्रोस्पोर किसी सुटेबल स्टिग्मा में पड़ जाता है, मतलब अपने ही स्पीसीज की स्टिग्मा में गिरता है, तो उसके बाद ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आउटर एक्साइन है, एक्साइन तो बहुत टफ सब्सटेंस है, दुनिया का सबसे टफ ऑर्गेनिक प्लांट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा होने वाला जो सब्सटेंस है, ये फायर रेजिस्टेंट है। आप इसको ना तो हथौड़े से ब्रेक कर सकते हो, ना तो आप इसको आग से, नॉर्मल टेम्परेचर से, आप सोचो कि 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको जला दोगे तो ये जलेगा भी नहीं, पोलन ग्रेन, ये इसकी खास बात होती है, इसको ब्रेक करना भी मुश्किल है, है ना। अब क्या होता है कि जो इसमें यहाँ पे पहले छोटी छोटी इस तरह से वैक्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये नॉर्मल वही, ये दिस इज प्रोटोप्लाज्म, ये इसका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस है। और होता क्या है, इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, इस तरह से कई सारी वैक्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये वैक्यूल्स क्या होती है, जो छोटी वैक्यूल्स होती हैं ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर के बड़ी होने लगती है ना। तो अभी नॉर्मल वॉल थी, है ना, कैसा बन गया, ठीक है, अभी तो नॉर्मल वॉल थी, है ना। अब नॉर्मल वॉल के ऊपर धीरे 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 इसके ऊपर एक्साइन डेवलप, एक्साइन का जो पैटर्न होता है वो डेवलप होना स्टार्ट करता है। जो आपकी वैक्यूल्स थी, तो न्यूक्लियस पहले थोड़ी बड़ी हो जाएगी, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी ये डीएनए वगैरह बनना स्टार्ट होता है, और न्यूक्लियस की वॉल का फॉर्मेशन होता है,
धीरे धीरे इसके चारों तरफ वॉल बनना, ये जो एग्जाइन है, एग्जाइन और डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस तरह से इसमें पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है ना, बाहर की तरफ जो स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, कांटे जैसा स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, ये स्पाइनी स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो दूसरे नंबर पर इसको हम लोग कहते क्या है, जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद है ना, ये जब जर्मिनेट होने से पहले की स्टेज में आपको बता रहा हूँ, जर्मिनेट होने से पहले ये वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो हम इसको बोलते हैं वॉल डिफरेंशिएशन। वॉल डिफरेंशिएशन होता है ना, वॉल डिफरेंशिएशन होने के बाद अब क्या होता है, ये वैक्यूल्स जो आपको मैंने अभी बताई, ये वैक्यूल्स थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, ये आपस में छोटी छोटी वैक्यूल मिल करके एक बड़ी, दो बड़ी वैक्यूल्स का, दो तीन बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देती है। तो छोटी छोटी वैक्यूल मिल करके बड़ी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देती है। अब इसके क्या होता है, थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है ना, पेरीफेरी की तरफ मूव कर जाता है या, और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो मतलब आपने देखा कि एक वेजिटेटिव सेल तो ऊपर वाली हो गई है ना, तो नीचे वाली ये क्या है, दिस इज जनरेटिव सेल, अभी क्या करती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, माइटोटिक डिवीजन होगा क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है, डिवीजन इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। वैक्यूल इसकी दो वॉल इसके अंदर पहले से मौजूद है, एक्साइन और एंडोइड, वैक्यूल जो इसकी होती है वो बड़ी सी हो जाती है, बड़ी सी वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये वैक्यूल हो गई। अब देखो अब हुआ क्या, फर्दर पॉलन ग्रेन, अब यहां से जर्म पूर के पास से पॉलन ट्यूब निकलना स्टार्ट होती है, यहां से ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू होता है, ये अभी जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के ऊपर ही आती है, दिस इज जनरेटिव, जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, तो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस ये, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद आप धीरे से वेजिटेटिव वाला जो होता है ये भी पॉलन ट्यूब पे खिसकना स्टार्ट हो जाता है, पॉलन ट्यूब और बड़ी होती जाती है। अब यहां पर ये हो गया आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, अब इसके बाद ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये दो क्लास में, दो दो में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इंटू टू, जनरेटिव न्यूक्लियस ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होकर के ये किसका फॉर्मेशन करती है, ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, इस तरह से पॉलन ट्यूब के अंदर, और डिटेल में फर्टिलाइजेशन में अभी डिटेल में और बताऊंगा, कि मैं तब तक के लिए आपको बता रहा था, इस तरह से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन रहता है, दे आर नोन एज मेल गैमेट, इतना आप नोट कर दीजिए तब तक के लिए, बाकी तो मैं आपको डिटेल में और पढ़ाऊंगा, जब आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा प्लांट में तो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। तब तक जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसमें किसी को कोई दिक्कत हो वो आप पूछ लीजिए प्लीज। सर जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, देखो जनरेटिव और वेजिटेटिव, देखो क्या होता है, जब ये पॉलन ग्रेन बन गया है ना, माइक्रोस्पोर बन गया सिंपल सा, ठीक है, अब ये क्या होता है, जब ये मैच्योर होता है तो ये तो टेट्राड में जो पॉलन ग्रेन कटा है ना, तो टेट्राड में ये इस तरह से टेट्राड था, टेट्रॉड में ये पॉलन ग्रेन है ना, तो अभी तो ये सिंगल है ना, तो अभी तो एक ही न्यूक्लियस है, अब क्या होगा जब ये मैच्योर होता है ना, पॉलन मैच्योर होता है तो
तो कॉलन डिवाइड होता है दो पार्ट में। अब दो पार्ट में जब डिवीजन होता है, दिस इज अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल का क्या मतलब हुआ? अनइक्वल डिवीजन का मतलब होगा एक दोनों सेल बिल्कुल बराबर नहीं होगी साइज में, ठीक है? तो अनइक्वल डिवीजन होता है, एक छोटी सी सेल बनती है और एक बड़ी सी सेल बनती है। यहां पर जो छोटी वाली सेल बनी, इस सेल को हमने बोला जनरेटिव सेल, इसको हमने बोला जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ी वाली सेल बनी, इसको हमने कहा वेजिटेटिव सेल, ठीक है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम होता है सिर्फ क्या काम होता है, वे जो पॉलन ट्यूब ये बन रही ना, ये पॉलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल की ही वॉल से बन रही है, और इसके अंदर पड़ी हुई है जनरेटिव सेल, है ना? जनरेटिव सेल बनाएगी क्या? गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वेजिटेटिव सेल का भविष्य ये है, इसका इसका फेट ये है, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो जाए। समझ आया? क्लियर है? यस। ओके ग्रेट। और बताइए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? आयशा समझ में आया? जुहा, सलेहा, रेहान, खदीजा, फातिमा, कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो भाई लोगों, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो अभी शेयर कीजिए। आई एम अवेलेबल फॉर योर प्रॉब्लम, है ना? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो चलो फिर कोई बात नहीं, बट अगर आपको क्लियर क्लियर, ग्रेट 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 ग्रेट, सब लोगों को क्लियर हो गया, है ना? ओ चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है ना? तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप किया जाए, और नेक्स्ट क्लास में मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। आप मुझे याद दिलाओगे कि मुझे क्या पढ़ाना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना? ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया करोगे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, कि अपना तो क्या सीन है कि मतलब लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था, याद तो रहता है लेकिन बहुत सारी क्लासेज होती है, तो देयर माइट बी सम कंफ्यूजन, है ना? कुछ छूटने ना पाए जिससे आपका। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसलिए मैं हमेशा टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ नेक्स्ट क्लास, हाँ ऐसा नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी, नेक्स्ट क्लास वेंसडे को होगी, मैं सबको बता दे रहा हूँ। वेंसडे, संडे, दिस इज द सेम टाइम 7 to 8:30, ठीक है? चलिए बाय, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम।